की मौत का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकता है। सीजेआई चंद्रचूड़ इस मामले पर सुनवाई भी कर सकते हैं, क्योंकि खुद मुख्तार अंसारी के बेटे ने कह दिया है कि अब हम तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। दोस्तों, मुख्तार अंसारी का परिवार उनकी मौत को हत्या बता रहा है। जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की पुलिस कस्टडी में मौत हुई, प्रशासन ने इसे हार्ट अटैक बताया, उसे मुख्तार के बेटे उमर अंसारी गलत बता रहे हैं। उनका आरोप है कि उनके पिता की हत्या हुई है, मौत ऐसे ही नहीं हुई, हार्ट अटैक से मौत नहीं हुई है। इसके लिए अब मामला सीजेआई चंद्रचूड़ के सामने भी पहुंच सकता है। आपको बता दें दोस्तों, मुख्तार अंसारी के बेटे ने मीडिया को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वो न्याय के लिए अब कोर्ट जाएंगे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, प्रशासन की ओर से मुझे कुछ नहीं बताया गया, मुझे मीडिया के जरिए ही इसके बारे में पता चला, लेकिन अब पूरा देश सब कुछ जानता है। दो दिन पहले मैं उनसे मिलने आया था, लेकिन मुझे इजाजत नहीं दी गई। हमने पहले भी कहा था और आज भी यही कहेंगे, 19 मार्च को डिनर में उन्हें जहर दिया गया था, हम न्यायपालिका का रुख करेंगे, हमें उन पर पूरा भरोसा है। दोस्तों, वही घटना से कुछ दिन पहले ही जब मुख्तार अंसारी के बेटे हैं जो उमर अंसारी, वो अपने पिता से मिलने के लिए हॉस्पिटल गए थे, तो उस वक्त भी उन्हें मिलने नहीं दिया गया था। हालांकि उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि हम कानून के रास्ते से अपनी लड़ाई लड़ेंगे और सर्वोच्च न्यायालय तक जाएंगे, हमें न्यायपालिका पर विश्वास है, वो हमें न्याय देंगे, मैं फिर कल आऊंगा। वही उमर अंसारी के अलावा कुछ दिन पहले मुख्तार के भाई और गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी ने भी आरोप लगाए थे कि जेल में मुख्तार को जो है स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, यानी कि खाने में स्लो पॉइजन देकर उन्हें मारने की, धीरे धीरे मारने की कोशिश की जा रही है, और ये बात खुद मुख्तार की तरफ से भी कंफर्म की गई थी। हालांकि उस वक्त जेल अधिकारियों ने इस आरोप का खंडन कर लिया था, ये कहते हुए कि सभी कैदियों का खाना साथ बनता है, बाकी किसी को भी कोई समस्या नहीं हुई। पर दोस्तों, इसके कुछ दिन बाद ही 24 मार्च की तारीख को बांदा जेल के दो जेलर सस्पेंड कर दिए गए। उनका सस्पेंशन जेल के अंदर लापरवाही के कारण हुआ, जिसको सबूत के तौर पर उमर अंसारी और मुख्तार के घर के लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये जो मौत हुई है मुख्तार अंसारी की, वो एक मामूली मौत नहीं है बल्कि हत्या है। मैं आपको बता दें कि पिछले साल दिसंबर के महीने में मुख्तार अंसारी को एक जेल से दूसरे जेल तक ले जाने में जान का खतरा भी बताया गया था, जिसके बाद यूपी सरकार ने मुख्तार अंसारी की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भरोसा भी दिलाया था सुप्रीम कोर्ट के सामने। पर अब जब मुख्तार की मौत हो चुकी है और परिजनों का इतना बड़ा, इतना गंभीर आरोप है, इसे साजिश बताया जा रहा है, तो अब सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया जाएगा। अब देखना